नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, जब डॉक्टर या कुछ भी कंपाउंडर वगैरह आपको इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो वो पहले थोड़ी सी एयर निकालते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, थोड़ा सा इंजेक्शन को ऐसे ऐसे करते हैं, उससे इंजेक्शन के अंदर की जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर वो जो एयर है वो अगर आपके बॉडी के अंदर चली जाए या डॉक्टर से अगर कुछ गलती हो जाए या उनको पता नहीं रहे, बाय मिस्टेक चली जाए, तो आपके शरीर के अंदर कितना नुकसान उससे हो सकता है और आपकी क्या उससे मृत्यु भी हो सकती है क्या। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ समय गंवाएं चलिए बता देते हैं आपको। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपकी जो वो जो आपका इंजेक्शन जो है आपकी आर्टरी, आपकी जो नस होती है, नस के अंदर जिसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, उसके अंदर जो है आपको इंजेक्शन लगाया जाता है। तो दोस्तों, उसमें जहाँ तक हो सकता है एयर निकाल दी जाती है, लेकिन अगर आपकी जो एयर है और एयर थोड़ी सी है, उसके बबल छोटे हैं थोड़े, और वो अगर आपके शरीर के अंदर चली जाती है तो वो जो है उतना नुकसान तो नहीं करेगी, क्योंकि आप अगर एयर बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो एयर जो है आपके शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपकी नसों में, उस ब्लड फ्लो को जो दोस्तों जो है बीच में से रोक देती हैं। क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर बीच में वो एयर आ जाएगी तो दोनों साइड से जो है आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। और आप खुद जानते हैं, अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो आप खुद जानते हैं आपका जो है ब्लड जो है ऑक्सीजन को जो है इधर से उधर पूरे बॉडी में फैलाता है। तो किसी भी ऑर्गन तक अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो ऑर्गन फेल हो सकता है, उस ऑर्गन तक जो है ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो ऑर्गन जो है फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, ये कारण है कि जो आपका जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उस समय एयर को जो है निकाला जाता है, एयर को निकालने का यही कारण है। हाँ, लेकिन अगर एयर छोटी सी है, बबल छोटे हैं तो उतना जो है असर नहीं होता है, लेकिन अगर एयर ज़्यादा है, बबल बड़ा है और वो जो है अगर आपके बॉडी के अंदर चला गया तो उससे जो है आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुक जाएगा दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्लड फ्लो रुकने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऑर्गन फेल हो सकता है, आपका जो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है आपको। तो इस कारण से जो दोस्तों जो हैं आपके जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उस समय एयर को जो है निकाला जाता है। आगे से आप जब भी इंजेक्शन को लगवाएं तो ये ज़रूर चेक करें कि जो आपका डॉक्टर है, आपका कंपाउंडर है, जो एयर को जो अच्छे से निकाल रहा है या नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको जो ये छोटी सी जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। कुछ सवाल सुझाव हो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपको ज़रूर आपके कमेंट के जो है आंसर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले